हमारा तीसरा रेस्क्यू नैनीताल से एक मेल पैक डॉग है जो काफ़ी टाइम से पैरालाइज था और उसके मालिक ने उसे पैर बांध के रखा था, जिसे मीनाक्षी जी द्वारा रेस्क्यू करा गया। हमने डॉग रिसीव कर लिया है, नैनीताल से आया हुआ है और इसके पैर में देखिए किसी ने रस्सी बांध दी थी जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा घाव हो गया। बहुत पहले रस्सी बांध दी होगी, किसी ने काटी नहीं तो रस्सी इसके घाव रस्सी ने बना दिया है अच्छे खासे और ये पैरालाइज है। ड्रेसिंग वगैरह हो गई है इसकी, वैसे अले दी ने कर दी है मेरे आने से पहले ही। बाकी अभी इस बच्चे का शेल्टर में ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें इसकी पैर की जो रोप से इंजरी हुई है उसकी रिकवरी के लिए रेगुलर ड्रेसिंग करी जा रही है। ये बच्चा पैराप्लेजिक है जिसके पीछे के पैर काम नहीं करते हैं, तो एक बार इसकी लेग की रिकवरी हो जाएगी उसके बाद हमें आइडिया होगा कि इसकी आगे को चलने की कितने चांसेस है। फिलहाल हमने इसकी न्यूरोबियन मेडिसिन स्टार्ट करी है और साथ ही में हमें पता चला कि इसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो इसका 9-in-1 का एंड एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन भी आज की तारीख में कर दिया जाएगा। हमने कभी कभी ऐसे लोगों को देखा है जो स्क्रीक डॉग्स की इतनी अच्छी तरीके से केयर करते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अपना पैक डॉग होता है और वो उसको इतनी बुरी हालत में रखते हैं। प्लीज़ आप किसी जानवर को तभी पालिएगा जब आप उसकी अच्छे से परवरिश करने की हिम्मत रखते हों।